अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि है आईसीटी। आगे जाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम हसान शहजाद फ्रॉम सुक्कुर आईबी यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ऑफ बीएससीएस सेमेस्टर 5। इससे पहले सर दानिश थे, उन्होंने आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर किया था आईसीटी के बारे में। वो अब आ नहीं सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, इसलिए अब से मैं कंटिन्यू करूँगा तो सर दानिश नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इंट्रो हो गया हमारा बेसिक सा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ इंट्रो के बारे में होगा कि आईसीटी है क्या, हम उसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और बेसिक्स यहाँ आईसीटी की। स्टार्ट करते हैं। आईसीटी जैसा कि तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तीन वर्ड्स का मुखफ्फ है, इसको उर्दू में इस तरह कहेंगे, ICT। आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। तीनों मिलके बनाते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इससे मुराद क्या हुआ, इससे हमारा मीनिंग क्या हुआ? जब रेवोल्यूशन हो रही थी कंप्यूटर्स की और टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन की, उस टाइम हमारे पास एक वर्ड होता था, दो वर्ड होते थे, उसमें से होता ये पूरा वर्ड था हमारे पास, आईसीटी पूरा था, लेकिन हम सी को उसमें नहीं लाते थे, हम सिर्फ कहते थे आईटी इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन। तो आईटी से क्या बनता है, आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाद में कम्युनिकेशन ऐड किया गया, क्यों मैं बताऊंगा स्लो हर चीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन का मीनिंग हर वो चीज़ जो हमें मालूम फराहम करे, जिस तरह हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हम उसके ऊपर सर्फिंग करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं लाइक गूगल, विकीपीडिया, इन सब से हमें मालूम मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब कम्युनिकेशन कहाँ से आई, अब इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। हम सोशल मीडिया की वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इन सब के ज़रिए हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक बनाते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो ये पूरी चीज़ बनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सारी टेक्नोलॉजी की बात ये हो रही है, इंफॉर्मेशन, अब इनको हम पहले थोड़ा अलग अलग करते हैं ताकि ईजी हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक हिस्सा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये दूसरा हिस्सा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो टेक्नोलॉजीज जो आपको इंफॉर्मेशन में आपकी मालूमात फराहम करें। अब लोग क्या, मतलब ज़्यादातर हमारी माइंडसेट इस तरह के बने होते हैं, हम क्या समझते हैं कि जो आईसीटी है हमारे पास वो कंप्यूटर है, वो मोबाइल है। ऐसा नहीं है, ये वो डिवाइसेस हैं जो हमें उस चीज़ की तरफ लिंक करती हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सिंपल इस वक्त मतलब फर्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक ऐसे समझने, एक नेटवर्क है हम सबको मिलाने का, मतलब दूसरे लोगों को हमारे साथ मिलाने का, इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने का। बहुत सारे हमारे पास नेटवर्किंग सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, हमारे डेटाबेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर लाई करती हैं। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उसका सबसे जो पहला पार्ट है वो हम होते हैं ह्यूमंस, क्योंकि हमने इंटरेक्शन करनी होती है, हमने इस चीज़ को यूज़ करना होता है। तो अगर हम ही नहीं होंगे, हम उनकी बेसिक पार्ट है आईसीटी का, तो हम नहीं होंगे तो हमारे बगैर आईसीटी होगी नहीं। फर्स्ट लेक्चर है, सिंपल रखूंगा हर चीज़ को। आगे जब हम अपना प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे, इस वक्त ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि आईसीटी है कि आप सबको थोड़ी सी नोहा हो जाए। बाकी आईसीटी एक ऐसा कोर्स है कि आप लोगों ने अगर बहुत दिल से आप लोग चाहते हैं उसको पढ़ना तो है वैसे भी, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी, कोर्स के लिए भी, सब्जेक्ट होता है काफ़ी जगह पर, लेकिन एक ये जनरल डिस्कशन है आज के लेक्चर में आईसीटी के हवाले से। जनरल टॉपिक्स होंगे, जनरल बातें होंगी सारी कि आईसीटी है कि आप लोग को उसकी नो हाउ हो जाए। बाकी आप लोग ने खुद भी सर्च करना है, जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे आईसीटी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले इसकी कैटेगरीज के बारे में बताया, आईसीटी की कैटेगरीज के बारे में, दो कैटेगरीज में मैंने आईसीटी को डिवाइड किया। कौन कौन सी? पहली कैटेगरी मैंने बनाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने बताया कि पहले रेवोल्यूशन हुई, आईटी इंडस्ट्री हमारी बनी, बाद में उसको कम्युनिकेशन भी ऐड किया गया, उसमें कम्युनिकेशन का नाम भी दिया गया। पहली कैटेगरी मैंने बनाई आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी को मैंने तोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
ये कोई दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स देने के लिए आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये काम किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने क्यों अलग किया और उसमें ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, परेशान ना हो मैं आप लोग को बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारी हर वो चीज़ आ जाती है जो हमारे इंफॉर्मेशन से रिलेट करे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स, टैबलेट्स और इस तरह की हर वो चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। रिसर्च, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च का क्या काम, रिसर्च कैसे यहाँ पे आ रही है, रिसर्च ऐसे आ रही है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, मतलब ढूंढनी हो, मैं गूगल का पेज खोलता हूँ, इंटरनेट पर लॉगिन किया, ब्राउज़र खोला, गूगल पर टाइप किया व्हाट इज़ आईसीटी, आईसीटी क्या है, मैंने गूगल पर लिखा, तो ये काम कहाँ पर हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ मैं, आईसीटी ही यूज़ कर रहा हूँ बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। कैसे, मैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आईसीटी क्या है। उसके बाद डेटाबेस, अब डेटाबेस क्या होता है, आप लोग परेशान होंगे डेटाबेस कोई नई चीज़ है, बड़ा खौफनाक सा वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं, डेटाबेस एक कलेक्शन होता है, डेटाबेस एक मजमूआ होता है, हम जिस चीज़ को, फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, बुक है हमारे पास, अब अगर मैं आईसीटी की कोई भी बुक लेता हूँ, मैथ्स की बुक ले लेता हूँ, मैथ्स की बुक एक डेटाबेस है, किस चीज़ का, मैथ्स का, उसमें जो कुछ लिखा होगा वो सब मैथ से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं कि उसमें इंग्लिश से रिलेटेड कोई चीज़ होगी या साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, उसमें सब कुछ मैथ्स ही होगी, तो वो जो बुक होगी वो डेटाबेस होगा किसका, मैथ का। इसी तरह डेटाबेसेस हमारे पास क्या हैं, इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारी मालूम पड़ी है, हम लोग उस मालूम को लेते हैं, वो मालूम कहाँ से आती है, वो कहीं पर पड़ी हुई है, कहीं पर स्टोर है, हम जैसे गूगल पर टाइप करते हैं व्हाट इज़ आईसीटी, तो वो डेटाबेस से उस डेफिनेशन को या उस मालूमात को ले के आता है हमारे पास, हमारे लिए, तो वो कहाँ से लाता है, वो डेटाबेस से लाता है। तो ये थी हमारे पास डेटाबेस। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई इसलिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अब चलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी उसी का पार्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये अलग से कोई फील्ड नहीं है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें पहली एग्जांपल है मेरे पास ईमेल्स की। ईमेल्स की मैंने एग्जांपल इसलिए रखी क्योंकि उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। ईमेल क्या होती है, जिस तरह पुराने टाइम में हम ख़त लिखते थे किसी से बात करने के लिए, फ़ोन करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम ईमेल्स करते हैं। जो हमारे ऑफिसेज वगैरह होते हैं उसके अंदर जो प्रोफेशनल एक वे है, एक जो बड़े ऑफिसर्स का वे है आपस में कम्युनिकेट करने का, आपस में रابطہ बनाने का, एक दूसरे को कोई ऑर्डर देने का, बात करने का, वो हम सब ईमेल्स के थ्रू करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है रابطہ बनाना, एक दूसरे से बात करना। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, कैमरा के थ्रू, तो ये मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप लोग से कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपने आइडियाज़, अपनी बात आप लोगों से कम्युनिकेट करो। तो ईमेल्स से हमारे पास एक वे होता है कम्युनिकेशन करने का, और वो हम करते हैं किस पे, टेक्नोलॉजी पे, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ये सब हमारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी एग्जांपल मेरे पास है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, हम ये जो पूरा दिन सब कुछ यूज़ करते रहते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्यों कहते हैं, सोशल मीडिया हम इसलिए कहते हैं, सोशल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों से अपना रابطہ बनाना, इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से अपना लिंक बनाना, बातचीत करना, ये सोशलाइजिंग होती है, अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना, अपने कॉन्टैक्ट्स को इन्हांस करना बहुत सारे लोगों से, ये सोशलाइजिंग होती है। फेसबुक पे हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, बहुत सारे लोगों हमारे फ्रेंड होते हैं, व्हाट्सएप पे हम पूरा दिन यही करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप पे भी, हम फेसबुक पे भी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेजेस भेजते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, सब कुछ, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है, रابطہ करना, बातचीत करना, और हम कर किस पे रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इसीलिए सोशल मीडिया को भी मैंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर रखा। अब आईसीटी हमने पढ़ ली, आईसीटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ, आईसीटी होता क्या है, एग्जांपल्स दी मैंने कुछ, पहली एग्जांपल दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसको अलग करके कि आईसीटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ये सब हो गया।
दैट वॉज ऑल अबाउट आईसीटी. आज का हमारा लेक्चर इतना ही था. हमने सारा ब्रीफ चीज़ कवर की इसमें कि आईसीटी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जस्ट छोटी सी एग्जांपल्स. हम आगे फर्दर बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे जब हम अपना कोर्स प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे. आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था. अब जैसा कि हम अपनी हर वीडियो के एंड में एक चीज़ करते हैं, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. वो क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो से पहले तक आईसीटी के बारे में आप क्या जानते थे, आप क्या समझते थे कि आईसीटी क्या है, आपके हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या थी. इसके हिसाब से ना बताइएगा, अपने हिसाब से बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा.